स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। इससे पहले वीडियो में हमने रोल्स की थ्योरम को पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए, कहाँ पे रोल्स की थ्योरम वेरीफाई होती है और किस कंडीशंस पे वो वेरीफाई नहीं हो पाती है, हमने डिस्कस किया इससे पहले वीडियो में। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है और कैसे वो वेरीफाई होती है और किस तरीके से वेरीफाई नहीं होती है। तो मैंने ये लेट किया कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन सच दैट, कैसा है फंक्शन, कुछ इस तरीके से है। पहली कंडीशन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। एफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी। सच दैट, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर सी, सच दैट एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, पहले रोल्स की थ्योरम में हम एफ डैश सी को जीरो कह रहे थे, लेकिन लैग्रांजे ने उसको थोड़ा सा चेंज किया। उसने ये कहा कि नहीं, एफ डैश सी जीरो के बराबर नहीं आता, वो एक माइनर सी वैल्यू लेता है और वो वैल्यू आती है एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए अपॉन बी माइनस ए, वो इससे आती है। यानी एफ ओ ए और एफ ओ बी दोनों एंड पर बराबर नहीं होता है, जैसा रोल्स ने कहा। रोल्स के अकॉर्डिंग ही एफ ओ ए और एफ ओ बी का बराबर होना कंटिन्यूअस होता था और वो जीरो के बराबर अगर हो जाए तो हम डिफेंसिबल भी कह रहे थे। ऐसा केवल रोल्स ने कहा है, लैग्रांजे ने अपनी थ्योरम में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है तो आप उसको चेक कीजिए, पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, डिफेंसिबल भी होता है, लेकिन अगर अदर देन कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप उसकी डिफरेंसिबिलिटी, उसकी कंटिन्यूटी, कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं हो रहा है, आप उसको चेक कीजिए। अगर आपने चेक किया कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है या इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंसिबल भी है, और सी जो निकल के आया, जो एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए अपॉन बी माइनस ए से आएगा, सी अगर इंटरवल के बीच में लाई कर जाता है, तो हम कह देते हैं कि थ्योरम वेरीफाई हो रही है। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक मिस्टेक है, थोड़ा सा उसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज़ नॉट ए क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए, ना तो ए आए ना तो बी आए, वैल्यू उन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे रोल्स की लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर थ्री
इन द इंटरवल माइनस वन टू इन द इंटरवल माइनस वन टू वन, यानी इंटरवल दिया है, एक फंक्शन आपको दिया है और आपको ये बताना है कि थ्योरम ये वेरीफाई है या नहीं है। तो अगर हमें लैग्रांजे मीन वैल्यू को वेरीफाई करना है तो उसके लिए चूंकि फंक्शन जो एफ एक्स है, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंसिबल इन द इंटरवल माइनस वन टू वन। चूंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंसिबल भी होगा। देन तब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस वन क्या है, तो माइनस एक्स की पावर थ्री यानी माइनस वन हो जाएगा, और एफ ऑफ वन क्या है, वन की पावर थ्री यानी वन हो जाएगा। देन बाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करें तो जो हमारी थ्योरम है वो ये हो जाएगी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैस सी। यानी अगर एफ डैस सी की बात चल रही है तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा पहले कि मेरे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स की पावर थ्री है, और एफ डैस एक्स की अगर मैं देखूं तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा, और एफ डैस सी बराबर हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर। यानी अगर इस थ्योरम में हम अप्लाई कर रहे हैं तो f ऑफ माइनस वन इज माइनस वन, f ऑफ वन इज वन अपॉन माइनस वन एंड माइनस वन इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ऊपर भी माइनस के टू होंगे, नीचे भी माइनस के टू होंगे, इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि थ्री सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा वन अपॉन थ्री, और इसका मतलब है सी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। अब स्क्वायर रूट ऑफ थ्री 1.7 होता है। अगर हम 1.7 को देखें तो जो सी इक्वल आया है वो प्लस माइनस वन अपॉन 1.74 के नियर अबाउट होता है। तो जो वैल्यू आने वाली है वो बिलोंग कर रही है माइनस वन और वन के बीच में। और हम देखें तो दो वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हैंस c इक्वल्स टू 1/174 एंड c इक्वल्स टू 1/-k 1.74। टू पॉइंट्स लाई इन द इंटरवल -1 to 1। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और थ्योरम हमारे यहाँ पे रखी गई है स्टूडेंट, थ्योरम है कोची मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम। कोची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहा कोची ने, ये कहा कि एक फंक्शन साथ में नहीं है, इस बार दो फंक्शन साथ में हैं। यानी वो ये कह रहे हैं, अगर देखें कि
कि इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर, पहली कंडीशन कंटिन्यूअस होने चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए बी में, दूसरी कंडीशन डिफरेंसिबल होने चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी में, इंटरवल को ओपन रखना है इस बार, ओपन इंटरवल ए बी में, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी. Such that f of b minus f of a g of b minus g of a equals to f dash c upon g dash c. C is lie between a and b and g dash x not equals to 0. g dash x कहीं भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर g dash x 0 हो गया तो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं हो पाएगी, थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होती है. इसको भी एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट. मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि वेरीफाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 in the interval 1 and 2. तो सॉल्व करते हैं इसे. एफ एक्स आपको गिवन है, जी एक्स आपको गिवन है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल. So it is continuous and differentiable in the interval 1 and 2. Then f of 1 ka square 1 ho jayega, f of 2 yani 2 ka square 4 ho jayega. अगर हम देखें जी ऑफ 1 की क्यूब यानी 1 हो जाएगा, और जी ऑफ 2 यानी 2 की क्यूब 8 हो जाएगा. एफ डैश एक्स को देखें तो 2x स्क्वायर होगा, जी डैश एक्स को देखें 3x स्क्वायर होगा, सॉरी स्टूडेंट इट इज 2x. अगर हम एफ डैश सी निकालना चाहें तो एफ डैश सी इज 2c एंड जी डैश सी अगर निकालना चाहें तो 3c स्क्वायर होगा. देन अप्लाई कोची मीन वैल्यू थ्योरम.
अगर हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करें तो थ्योरम हमारे पास थी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे एफ ऑफ बी इज़ 4 माइनस एफ ऑफ ए इज़ 1 अपॉन एफ ऑफ बी इज़ 8 जी ऑफ ए इज़ 1 और इक्वल्स टू एफ डैश सी इज़ 2c और अपॉन में 3c स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर मिलेगा 3 अपॉन नीचे मिलेगा 7 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3c। इसका मतलब हुआ कि 9c इक्वल्स टू 14 हो जाएगा और c इक्वल होगा 14 अपॉन 9। जब मैं 14 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होने के बाद एक पॉइंट मेरे पास ऐसा आया जो इस इंटरवल में लाई करता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हैंस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। यानी हम इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।